हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके लिए ये लुक लाई हूँ। ये एक रक्षाबंधन मेकअप लुक है, तो आप इसे रक्षाबंधन में कैरी कर सकते हैं। मैंने एक बन बना लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर आपको हेयर को छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। मैंने बहुत ही न्यूट्रल, मतलब कुछ भी आई शेडो कुछ भी दिया ही नहीं, सिर्फ काजल से थोड़ा सा स्मोकी किया है, ऊपर थोड़ा सा एक ब्राउन मतलब कॉन्टूर था वो दिया है, और पूरा न्यूड लिप्स रखा है। अगर आपको डार्क कलर के लिपस्टिक पसंद है तो आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। और इंडो वेस्टर्न लुक है एक्चुअली, ये जो टॉप है एक्चुअली मैंने आज ही से लिया था, उसके साथ मैंने ये जो जंक ज्वेलरी है ये पहना है। हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि रक्षाबंधन में इतना ज़्यादा मेकअप मतलब करने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता। और मैंने फेस पे बीबी क्रीम लगाया है, मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा कंसीलर लगाया है क्योंकि नहीं तो अंडर आइज़ बहुत ज़्यादा मतलब डार्क लग रहा था। तो ये लुक मैंने क्लियर किया है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको कैसा लगा है लुक। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे एक मतलब सेटिंग स्प्रे से। तो पहले अगर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे दे देंगे तो थोड़ा सा प्राइमर का भी काम करेगा, तो मैं प्राइमर नहीं यूज़ कर रही हूँ आज क्योंकि ये सिंपल ही मेकअप है। तो ये ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और आज कोई फाउंडेशन में यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये पॉन्ड्स का बीबी क्रीम है, मुझे मतलब अच्छा खासा कवरेज है इसमें, तो यही मैं अपने फेस पर डॉट डॉट करके एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। और ये शेड थोड़ा सा लाइट लग रहा है मेरे स्किन टोन से, पता नहीं क्यों। पॉन्ड्स में शायद दूसरा कोई शेड भी नहीं आता, एक ही शेड आता है, तो इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। देखिए थोड़ा सा ग्रे लग रहा है क्योंकि मेरे फेस से थोड़ा सा डार्क मतलब लाइट है ये शेड, और बहुत ही अच्छा कवरेज है इसमें, मतलब फुल कवरेज नहीं है लेकिन मतलब फुल कर सकते हैं आप इससे। बीबी क्रीम नहीं लगता है मुझे, मुझे इतना भी कवरेज, मुझे एकदम लो कवरेज पसंद है एक्चुअली, मतलब ऐसे फेस्टिवल्स में जैसे राखी वगैरह हो गया ऐसे, मतलब इतना मतलब इसमें लाउड मेकअप मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी मैं थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंडर आइज थोड़ा सा डार्क लग रहा है। तो एले गर्ल का प्रो कंसील है, इसका शेड मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो इसको मैं एज ए मतलब कंसीलर थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देगा अपने अंडर आइज पे, और जहाँ जहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसील करती हूँ थोड़ा स्पॉट से मेरे जहाँ पे वहाँ पे लगा के मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। थोड़ा सा आवाज़ आएगा क्योंकि मेरा घर रोड के सामने है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब बाइक जाता है, फिर लोग पूजा करते हैं उसका आवाज़ आता है, क्योंकि मैं दिन में अभी ये वॉइसएवर कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है लेकिन मेरा वाला थोड़ा सा मतलब पुराना है ना, तो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, बहुत ही फुल कवरेज है। और ये वाला जो पर्टिकुलर शेड है ये बहुत ही अच्छे से सूट करता है, अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा हो तो आपको ये हाइलाइटिंग कंसीलर है, हाइलाइटिंग कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा नोज़ के अराउंड भी इसको ब्लेंड कर दूँगी। अभी मैं ये पर्पल का कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब क्यों पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल भी पिक नहीं होता है इस पर ब्रश पे। तो ये ब्रश भी अमेज़ॉन का है, बहुत ही अफोर्डेबल है, तो इस अभी थोड़ा सा पिक होता है, पहले तो बिल्कुल भी पिक नहीं होता था, मतलब इतना रफ और हार्ड है ये पाउडर। तो इसको मैं पूरे फेस में थोड़ा लगा दूँगी, वैसे अच्छा है लेकिन बहुत ही कवरेज मतलब उठता ही नहीं है ब्रश पे, तो कवरेज क्या देगा ये, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेट है, तो पूरा गल के बाहर आ जाएगा फेस का जो जितना भी थोड़ा बहुत मेकअप है, इसीलिए पाउडर से अच्छे से सेट कीजिएगा। अभी मैं ये वेट एंड वेल का ब्लश है, ये बहुत ही अच्छा एक पिंक मतलब कोडल कलर का ब्लश है, इसको मैं अपने फेस पे जहाँ पे मैं लगाती हूँ ब्लश में, एक्चुअली ब्लश फेस के मतलब एप्पल ऑफ द चीक्स पे नहीं लगाती हूँ मैं, थोड़ा सा जहाँ पे मेरा मतलब जहाँ पे मैं ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ वहाँ पे मैं लगाती हूँ, तो आज मैं वहाँ पे लगा रही हूँ ये वाला ब्लश। तो फैन का भी आवाज़ आ गई क्योंकि मैं फ़ैन ऑन करके अभी ये वॉइसओवर कर रही हूँ, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। बहुत ही प्रिटी शेड है, मुझे पिंक से ज़्यादा ऐसे वाले शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब ब्लश ऐसे जो कोडली शेड होते हैं, जो टोन्स होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे लगता है मेरे स्किन टोन को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है ऐसे वाला। फिर लिपस्टिक में मुझे नहीं, लिपस्टिक में मुझे पिंक से ज़्यादा पसंद है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रॉन्जर शायद यूज़ किया है मैंने, तो अभी मैं एक सेटिंग स्प्रे से अच्छे से अपने फेस को डैप डैप करूँगी, तो जितना भी मतलब पाउडर प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और ब्लेंडर से थोड़ा सा डैप डैप कर दूँगी, नहीं तो पाउडर ही पाउडर लगेगा। ये वाला हाइलाइटर है मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन रोज गोल्ड, देखिए पूरा टूट गया है, इसको मैं अपने फेस पे थोड़ा सा लगा दूँगी क्योंकि देखिए ब्रश का ब्रिजल्स का थोड़ा सा ये हो गया है,
कि थोड़ा डैम्प नहीं सूखा, मतलब हाफ जब सूखेगा ना आपका जो सेटिंग स्प्रे तभी आपको लगाना चाहिए हाईलाइटर। मैंने इमीडिएट लगा दिया इसीलिए, देखिए ये वाला ठीक मतलब हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर हाईलाइटर है, एक पिंक कलर का हाईलाइटर है ये, लेकिन ये पूरा टूट गया क्योंकि मेरे गाँव में मतलब मेरे घर में पापा के घर में जब गई थी ना तो ऐसे बैग में लेकर गई थी तो पूरा ऐसे टूट गया। लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है, पटर जैसा है पूरा मेल्ट, मतलब बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है। इसको मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे थोड़ा सा लगा दूँगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि तो फेस चमकीला चमकीला मुझे पसंद है। आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। अभी मैं अपने आईब्रो को सेट करूँगी, पहले ये वाला स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल है, इसके पीछे एक स्कूली आता है इसे सेट करूँगी। ये ब्राउन कलर है, अभी इसी आईब्रो पेंसिल इसका ना शार्पनर शार्प करने से भी नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा शार्प नहीं करती इसको, तो इससे मैं अपने आईब्रो को थोड़ा थोड़ा फिल कर दूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब मोटा आईब्रो इतना पसंद नहीं है। ऑलरेडी मेरा आईब्रो अच्छा खासा मोटा है, सिर्फ जो स्पार्स एरिया है उसको मैं फिल करूँगी और वही वाले ब्रश से फिर इसको कोम कर दूँगी, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अपने आईब्रो पे लगाए अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, तो आई मेकअप के लिए मैं कुछ मतलब कोई आई शेडो आज यूज़ नहीं करूँगी। ये ब्लू हेवन का काजल है ये मेरा, और एक है मैंने मेकअप मतलब रखा हुआ है लाके, बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल में काजल है, सेल के टाइम पे आपको 60-70 में मिल जाएगा। डार्क है, ब्लैक है, इतना स्मच प्रूफ नहीं है लेकिन अच्छा है। इसको मैं अपने लोअर वाटर लाइन पर लगाऊंगी और अपने अपर जो लैश लाइन मतलब अपर वाला जो लैश लाइन है उसके एकदम क्लोज क्लोज लगाऊंगी, मतलब एक लाइन ड्रॉ करूंगी, विंग नहीं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करूंगी। मैं एक्चुअली रिवर्स आई लाइनर जो है उसको करने का ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, और एक ब्रश है इससे वाला एक ब्रश है फ्लैट छोटा ब्रश जो होता है उससे मैं क्या करूँगी, मेरे नीचे वाले वाटर लाइन पर जो मैंने काजल लगाया है उसको मैं वही वाले ब्रश से बाहर की तरह मतलब थोड़ा बाहर करूँगी, बाहर करके विंग की तरह लेके जाऊँगी, तो इसको ही रिवर्स आईलाइनर बोलते हैं। तो नीचे का जो मेरा जितना भी प्रोडक्ट्स है मतलब जितना लगाया है उससे एक्स्ट्रा नहीं लगा लिया है, और ब्रश से मैं थोड़ा ऊपर की तरह खींचने की ट्राई करूँगी। देखिए मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया करके फिर ब्रश से मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको एक विंग की तरह क्रिएट करूँगी, मतलब नीचे से विंग क्रिएट करूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है आइस, बहुत ही बड़ा मतलब जैसे कैट की तरह लगता है आइस देखने में, जो कैट आइस बोलते हैं ना वैसे लगता है। अभी मैं ऊपर का भी थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी, थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी तो ऊपर भी एक स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा। मुझे ऐसे वाला सिंपल आई लुक बहुत ही अच्छा लगता है, उसके साथ एक मलमल कॉटन साड़ी और जंक ज्वेलरी पहन लीजिए, बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने, बहुत ही सेक्सी लुक होगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर का जो मेरा क्रीज है बहुत ही खाली खाली लग रहा है, तो मैं ये वेट एंड वेल का जो ब्रॉन्जर नहीं कॉन्टर पाउडर है इसको मैं एक फ्लफी ब्रश में लेके थोड़ा सा अपने हाँ पर जो मेरा जो क्रीज के आवाज़ है उसमें थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी। आप स्किप भी कर सकते हैं, करने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। अभी मैं मेरी आईलेश को थोड़ा सा कर्ल करूँगी आईलेश कर्लर से, एक गुब्बा योजो का आईलेश कर्लर है। अभी मैं ये मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, आपकी एक एक आईज के जो मतलब क्लम्प नहीं बनाएगा, आपका जो लैशेस है एक एक को सेपरेट कर देगा, बहुत ही अच्छा लेंथ और वॉल्यूम देता है, देख सकते हैं आप। तो इसको मैं अपने अपर लोअर लैशेस पे 2-3 कोट लगा दूंगी। अगर आपको बहुत ही अच्छा लुक चाहिए तो 2-3 कोट लगाइए, अगर आपको नॉर्मल लुक चाहिए तो 1 कोट ही हो जाएगा, काफ़ी है। अभी मैं न्यूड लिप्स को पूरा बिल्कुल न्यूड रखूंगी, तो ये ब्लू हेवन का एक लिपस्टिक है पूरा न्यूड है, इसका नाम ही शायद न्यूड समथिंग कुछ है, अभी पता नहीं मिलता है कि नहीं है, लिक्विड लिपस्टिक है ये, उसको मैं लगा दूँगी। तो मुझे लगा ज़्यादा न्यूड लग रहा है, जैसे मैं मिट्टी खा के आई हूँ ऐसा लग रहा है, तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगी थोड़ा सा और मेबेलिन का जो न्यूड नुआंस लिपस्टिक है क्रीमी मैट वो लगा दूँगी, लगा के फिर उसके ऊपर स्विस ब्यूटी का जो ग्लॉस है ये लगा दूँगी, और उसके बाद एक बिंदी लगा दूँगी ऐसे क्लियर जो बिंदी होता है, यहीं पे मेरा राखी लुक कंप्लीट होता है। तो गाइस दिस इज़ माय फाइनल फिनिश्ड लुक गाइस, तो ये लुक मैंने रक्षाबंधन के लिए क्रिएट किया है। तो मैंने ऐसे एक बन बना लिया, मुझे अच्छे से बन बनाना भी नहीं आता, आपको जैसा मतलब हेयर रखना पसंद है आप वैसे रख लीजिए, अगर आपको कर्ल पसंद है तो छोटी थोड़ा सा कर्ल कर लीजिए, मुझे गर्मी लग रहा था मैंने सोचा मैं बन बना लेती हूँ, और मुझे अच्छे से बनाना भी नहीं आता है बन गाइस, तो हाई बन बना लीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में। तो आई होप कि बहुत ही सिंपल लुक है, बहुत ईजी लुक है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर मुझे लगता है मेरा चैनल सबसे ज़्यादा मतलब कम ग्रो कर रहा है, इतना कम ग्रो करने वाला चैनल मैंने नहीं देखा सच में, 2 साल से बना रही हूँ वीडियो लेकिन क्या बोलो आपको, मतलब 500 भी सब्सक्राइबर्स नहीं हुआ अभी तक।
और कंस्टेंट वीडियो भी दे रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं होता है। फिर भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और उसके पास में जो घंटे उसको भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफाइड रहे जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो वो भी दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, FB पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, दाश दीपाक्षी हूँ मैं, तो वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कीजिएगा गाइज। तो या तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।